हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर डे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन होगा हमारा चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी ये। पहले हम लोग जो चैप्टर उठा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स उठा रहे हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाई SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा तेजी से हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो बस सिंपल में आप लोगों को पता होगा, अगर मैं आपसे बात करूं SN1 रिएक्शन के बारे में, SN1 रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का वो क्या होता है बच्चों, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है। जस्ट अपोजिट अगर हम लोग SN2 के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो बस हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, सिंपली ये देखना है कि हमारा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहां पर है, टर्शियरी कार्बन पर हैलोजन एटम कहां पर लगा हुआ है। तो बस इसमें देखोगे बेटा तो ये जो है एक कार्बन से अटैच होगा, तो ये प्राइमरी कार्बन पर बेंजाइल, हम इसको बोल सकते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना। तो ये एक ही कार्बन से लगा हुआ होगा ये वाला कार्बन और उस पर हैलोजन लगा है। अगर हम इस हैलोजन को देखते हैं तो ये सेकेंडरी होगा, कौन सा होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा प्राइमरी, ये हो जाएगा हमारा कौन सा सेकेंडरी। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि दो बार जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक C6H5 क्योंकि इसका होल ट्वाइस है तो ये भी सेकेंडरी हो गया। अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो ये C6H5 से दो बार जुड़ा है और ये CH3 से जुड़ा है, इसका मतलब ये टर्शियरी है। और इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये बच्चों हमारा ऐसा बनेगा C6H5, फिर ये कार्बन C6H5 और यहाँ पर एक जो है हमारा CH3 जुड़ा हुआ है और फिर हमारा यहाँ से BR जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये टर्शियरी हो जाएगा। तो टर्शियरी हैलाइड की रिएक्टिविटी आप जानते हो कि ज्यादा होती है SN1 रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसका सही आंसर बच्चों जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।